तो आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं, ये क्वेश्चन है द कैरेक्टर विच कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन इन केस ऑफ गार्डन पी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वो कैरेक्टर जो अपने आप को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा गार्डन पी में, पी प्लांट जो है, जो मेंडल का एक्सपेरिमेंटल प्लांट है उसमें, वैसे इनमें से कौन सा कैरेक्टर अपने को सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर पाएगा। तो पहले ये समझ लेते हैं व्हाट इज होमोजाइगस एंड व्हाट इज हेटरोजाइगस। सो इन जीनोटिपिकली अगर जीन में बोथ द अलील्स आर फॉर द सेम ट्रेट, सपोज वी लुक फॉर द राउंड कैरेक्टर, तो राउंड का अगर दोनों अलील जो मैटरनल पैटर्नल है, जो वन जो मदर से आया है दूसरा जो फादर से आया है, अगर दोनों सेम अलील है तो इसको हम होमोजाइगस बोलते हैं। वेयर एज यही राउंड में अगर एक राउंड का जीन है और एक रिंकल्ड का जीन है एलील, तो इसको हम हेटरोजाइगोटिक कंडीशन बोलेंगे और रिंकल्ड के लिए यही होगा। और ऐसा क्यों होता है, तो जो होमोजाइगस कंडीशन है दिस इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, आपका क्या है, एक डोमिनेंट ट्रेट होता है, एक रेसेसिव ट्रेट होता है। सो द डोमिनेंट ट्रेट्स दे कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ बोथ इन होमोजाइगस कंडीशन एंड हेटरोजाइगस कंडीशन। In fact, the definition of dominant comes from this condition only, from heterozygotic condition. So the gene which expresses itself in the phenotype in heterozygote condition, that is dominant. And for dominant, we will always have two combination. One is homozygous and another will be heterozygous. So जो dominant trait है वो homozygous और heterozygous दोनों condition में अपने को phenotype में express करेगा. But the recessive character which is there, this can express itself in the phenotype only when it is homozygous in condition. यानी कि recessive trait अपने आप को phenotype में express तभी करेगा जब ये homozygous condition में हो. That means only in homozygous. So as per question हमें क्या पता करना है कि दिए गए options में से from A, B, C, D, which one is a recessive trait? And given below, this is a chart of डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेट्स कंसिडर्ड बाई मेंडल। तो वेन इट कम्स टू इनफ्लेटेड पॉट, तो इनफ्लेटेड पॉट, सो इफ वी गो टू द शेप ऑफ द पॉट, दिस इज एक्चुअली शेप ऑफ द पॉट, सो इनफ्लेटेड इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, येल्लो सीड कलर इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, एक्सियल फ्लावर, सो इफ वी लुक इन टू द एक्सियल फ्लावर अगेन दिस इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, सी एट लीफ जंक्शन दिस इज एक्सियल, वेयर एज वेन वी कंसिडर द पोजिशन एट द टिप ऑफ द ब्रांचेस देन दिस इज टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल। ठीक है, तो एक्सियल क्या है, डोमिनेंट है, येल्लो पॉड, सो वेन इट कम्स टू द कलर ऑफ द पॉड येल्लो इज रेसेसिव, सो it is yellow pod which will which can express only in homozygous condition in case of P. तो ऐसा question जब भी आता है कि only in homozygous, तो आपको क्या देखना है, recessive trait देखना है, you have to look for the recessive trait only. Whereas if we talk about inflated, so it can express itself in both homozygous and heterozygous, both homozygous and heterozygous, even axial flower will express itself in both homozygous and heterozygous condition. So that's why answer to this question will be D, yellow pod. I hope this question is now very clear to you.